नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं नंदलाल शर्मा। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो जमशेदपुर पूर्वी सीट इस चुनाव की सबसे हॉट सीट है। मुख्यमंत्री रघुवर दास इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे तो उनके खिलाफ बीजेपी के ही बागी सरयू राय ने ताल ठोक दिया। मुकाबला दिलचस्प हुआ और जनता ने रघुवर दास के साथ सरयू राय को भी अपना जबरदस्त समर्थन दिया है। चुनावी मतगणना में एक समय रघुवर दास आगे चल रहे थे, लेकिन दोपहर में सरयू राय ने रफ्तार पकड़ी और रघुवर दास को पीछे छोड़ दिया। एक समय सरयू राय 5000 वोटों से आगे थे और ये है जमशेदपुर पूर्वी सीट का आंकड़ा। आपको बता दें कि रघुवर दास को खुली चुनौती देने वाले प्रखर नेता सरयू राय अपने सिद्धांतों और शर्तों पर सियासत करने वाले हस्ती के रूप में जाने जाते हैं। इस बार चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी सीट से टिकट कटने पर उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरयू राय ने इस क्रम में यह कहकर सनसनी मचा दी कि सीएम रघुवर दास नहीं दाग हैं। यह दाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिटर्जेंट और अमित शाह की लॉन्ड्री भी धो नहीं सकती। सरयू राय के बारे में सधे शब्दों में कहें तो उन्होंने झारखंड की रघुवर सरकार में रहते हुए भी कई बार बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ाईं। इस बार तमाम विरोधों से आगे बढ़कर सरयू राय ने रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक दिया और ये पूरे चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। कांग्रेस ने यहाँ से 1 ट्रिलियन में कितने जीरो पूछकर सुर्खियाँ बटोरने वाले गौरव वल्लभ को चुनावी मैदान में उतारा। इस चुनाव में सरयू राय निर्दलीय सिलेंडर छाप निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास के मंत्रिमंडल में रहने के बावजूद सरयू राय ने उनका खुलकर विरोध किया। कई नीतिगत फैसलों पर उन्होंने सरकार की मुखालफत की। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब लग रहा था कि वे मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि विधानसभा में विपक्षी दलों के हो हंगामे को आधार बनाते हुए उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा तत्काल मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्वीकार कर लिया। सरयू राय रघुवर दास की कैबिनेट में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रहे। अब सरयू राय के बारे में आपको कुछ और फैक्ट बता देते हैं, और वो ये है कि सरयू राय नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़े हैं इस बार और कांटे की टक्कर दी है। जदयू और भाजपा को करीब लाने में उनकी भूमिका रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से उनकी नज़दीकी जगजाहिर है। चारा घोटाले को उजागर करने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। इस बारे में उन्होंने एक चारा चोर खजाना चोर नाम से किताब भी लिखी। साइंस कॉलेज पटना के छात्र रहे। 74 के जेपी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे। मधुकोड़ा लूटकांड पर भी सरयू राय की चर्चित पुस्तक, इस पुस्तक में उन्होंने मधुकोड़ा द्वारा किए गए घोटालों को उजागर किया था। पर्यावरणविद भी हैं सरयू राय और दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त करने में कामयाबी पाई है। साथ ही संसदीय मामलों के विशद जानकार हैं। रघुवर सरकार में संसदीय कार्य मंत्री भी रहे, हालांकि बाद में इस्तीफा दे दिया। ये थी सरयू राय की प्रोफाइल जो रघुवर दास के खिलाफ इस बार चुनावी मैदान में थे। झारखंड चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए दैनिकजागरण.com पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप जागरण TV पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।